लुधियाना के गांव सीड़ा में नाजो खातून नामक महिला के उसके पति मोहम्मद महफूज द्वारा साथी के साथ मिलकर गला दबा कर कत्ल करने के बाद शव को दफना दिया गया था। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को काबू किया और आरोपियों की निशानदेही पर मृतक महिला का शव कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के जिला सीतामढ़ी के रहने वाले महफूज को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी के चलते उसने अपने जीजा रफीक के साथ मिलकर 13-14 की रात को अपने बीवी की हत्या कर दी और चुपचाप से कब्रिस्तान में दफना दिया। जो मृतक महिला के परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दी, जिस पर थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस ने कब्रिस्तान से महिला का शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। एसीपी गुरविंदर सिंह ने कहा कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जाँच जारी है। बेटा ये महफूज ना का बंदा अपने परिवार के ना इतने रहा फांबड़ा रोड से, तो अपनी पत्नी से शक करता सो पत्नी वो कहने चली सी 13-14 की रात को उन्हें एक अपना साथी रफीक बुला के वह रिश्तेदार ही लगता वह ला के गला घुटता सराने ना रख के मार दिता। बाद ने पूछे की है कहता भी यदि हार्ट अटैक ना मौत हो गई है, तो जो बच्चों ने नाने गल दसी तो साढ़े को इतलाह आई तो अभी तुरंत कार्रवाई करके दोनों अरैसट कर लिया, डेड बॉडी कटवा के अच्छ पोस्टमार्टम करवा लिया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।